गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश के बेटा ए नाइन्थ चैप्टर द लॉस्ट कैमल। कैमल मीन्स ऊंट, द खोया हुआ ऊंट या ऊंट जो खो गया उसको हम रीड करेंगे। पहले इसके न्यू वर्ड्स, डोमिनियन। डोमिनियन मीन्स शासन अधिकार यानी प्रभु सत्ता। इनहैबिटेड बसे हुए, एमिकेबली दोस्ताना या मित्रता पूर्वक। अफर्मेटिव सकारात्मक या स्वीकृति देना किसी भी चीज के लिए। पेक्युलियर, पेक्युलियर मीन्स अजीब। इंडिकेशंस संकेत, मेलेडी रोग। कॉलिक पेट दर्द। रेडरेस निवारण या दूर करना। डेफिशिएंस काम कम या अधूरा। इंडस्ड, इंडस्ड मीन्स प्रेरित किया। कंजेक्चर्ड, कंजेक्चर्ड अनुमान लगाना। पगोडाज शिवालय या मंदिर। ग्नेट्स काटने वाली मक्खी या ऐसी मक्खी जिसके पंख होते हैं और वो मच्छर से मिलती जुलती होती है। कंट्रैक्टेड संकुचित। सेगेस्टी बुद्धिमता। बेस्टॉर्ड प्रदान किया या देना दिया। इसके डिडियनों के पॉइंट्स। इन हिंदुइज्म अलकापुरी इज अ मिथैलिक सिटी। अलकापुरी हिंदू धर्म में यानी हिंदू सभ्यता में अलकापुरी एक काल्पनिक शहर है। इट इज द होम ऑफ कुबेर द किंग ऑफ यक्षा द लॉर्ड ऑफ वेल्थ। यह यक्षों के राजा कुबेर का घर है जो कि धन के देवता हैं। विजडम एंड इट्स यूज इन द राइट मैनर मेक्स अस सक्सेसफुल। बुद्धिमता और सही ढंग से, सही मैनर से इसका यूज यानी धन का यूज हमें महान बनाता है। द लॉस्ट कैमल, ऊंट जो खो गया या खोया हुआ ऊंट। देयर वॉज अ सिटी कॉल्ड अलकापुरी फेमस फॉर ऑल द रिट्स दैट सी एंड लैंड कुड यील्ड। अलकापुरी एक ऐसा शहर था जो कि अपनी अमीरी के लिए यानी कि समुद्र और धरती पर पूरी तरह से फेमस थी। इट वॉज इनहैबिटेड बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज यानी जहाँ जो ये लोग रहते थे इस अलकापुरी में वह अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे। इन दिस सिटी डिजाइन रेंज अ किंग नेम्ड अलकेसा Who had all the excellent qualities of a ruler. और इस शहर का एक राजा जिसका नाम अलकेसा था पूरी तरह से एक शासक के जो सारे गुण थे उसमें थे। He was a just and king kind king. वह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था। During his reign, all animals, the cow, the tiger, the cats, the rats, the kite, and the parrot lived together amicably and harmony. उसके राज्य में यानी उसके शासन काल के दौरान सभी जानवर, गायें, चीता, बिल्ली, चूहा, यहाँ तक कि सभी पशु पक्षी जो थे मित्रतापूर्वक रहते थे और सब में आपस में तालमेल बना हुआ था। The king provided his people with all the facilities and They lived in plenty and happiness. जो राजा था, राजा ने अपने राज्य के जो लोग थे सभी को सारी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी और वे सब बहुत ही खुशी से रहते थे। One day, a rich merchant lost a camel in अलकापुरी। अलकापुरी में एक दिन अमीर व्यापारी ने अपना ऊंट खो दिया। He searched for it in all the directions but to no avail. उसने सभी दिशाओं में इसे ढूंढा परंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। At last he reached a road which led to another city called Mathurapuri whose king was named Mathuresa. और आखिर में वह एक सड़क पर पहुंचा जो कि दूसरे शहर की तरफ जाती थी जो जिसका नाम था मथुरापुरी और जहाँ का राजा था मथुरेसा। मथुरेसा हैड फोर एक्सेलेंट मिनिस्टर्स अंडर हिम हुज नेम वर बोधिदित्या, बोधाचार्य चंद्रा,
बोधवापाका एंड बोध भीषिना। मथुरेसा के पास के चार बहुत ही एक्सीलेंट मिनिस्टर्स यानी बहुत ही समझदार बुद्धिमान मंत्री थे, जिनके नाम ये चारों थे। दीज फोर मिनिस्टर्स फॉर सम रीजन डिस्प्लेस्ड विद द किंग क्वाइट क्विट हिज डोमिनियन एंड सेट आउट फॉर अनदर कंट्री। ये जो चारों मंत्री थे किसी कारण से राजा से नाराज हो गए और उन्होंने उसका राज्य छोड़ दिया और दूसरे राज्य की तरफ के लिए चल पड़े। एज दे जर्नड अलोंग दे ऑब्जर्व द ट्रैक्स ऑफ अ कैमल। बहुत लंबी यात्रा करने के बाद उन्होंने ऊंट के पंजों के निशान देखे। ईच मेड अ रिमार्क ऑन द पेकुलियर कंडीशन ऑफ द एनिमल जजिंग फ्रॉम द फुटस्टेप एंड अदर इंडिकेशंस ऑन द रोड। उन्होंने सब ने अलग अलग अजीब जानवर की अजीब कंडीशन को देखा पर देख कर रिमार्क दिया और निर्णय किया उसके पैरों के चिन्हों को देखकर और सड़क पर जो भी दूसरे संकेत मिल रहे थे उन सब को देखकर उन्होंने एक अलग अलग रिमार्क दिया, जजमेंट किया। ऑन देयर वे दे मेट द मर्चेंट हु वाज सर्चिंग फॉर हिज कैमल एंड ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन विद हिम वन ऑफ द ट्रेवलर्स इंक्वायर्ड इफ द एनिमल वाज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग। जब वे रास्ते में उस व्यापारी से मिले जो कि अपने हाथ ऊंट को ढूंढ रहा था, इस उससे बातचीत के दौरान उनमें से एक यात्री ने उससे पूछा कि क्या जो तुम्हारा हाथ जानवर था ये ऊंट, क्या वह एक टांग से लंगड़ा था। अनदर आस्क्ड इफ इट वाज blind in the right eye. The third asked if its tail was unusually short, and the fourth inquired if it was suffering from colic. दूसरे ने पूछा क्या यह अपनी दाई आंख से अंधा था, यानी एक तरफ से उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता था, और तीसरे ने उससे पूछा कि क्या उसकी पूंछ छोटी थी, और चौथे ने उससे पूछा क्या यह पेट दर्द से परेशान था। They were all answered in the affirmative by the merchant, who was convinced that they must have seen the animal and eagerly demanded to know about its whereabouts. उन सभी को जो व्यापारी ने जवाब दिया वह सकारात्मक था, यानी हाँ में था, और उन्होंने उसको कन्विंस किया, पूछा कि उससे कि क्या उन्होंने और यह भी जानने की कोशिश की उससे कि उन्होंने उसको देखा था जानवर को और वह अब कहाँ है। दे रिप्लाइड दैट दे हैड सीन ट्रेसेस ऑफ द कैमल बट नॉट द कैमल इटसेल्फ। उन्होंने उससे उत्तर दिया कि उन्होंने जो ऊंट था ऊंट के निशान देखे हैं पैरों के, परंतु ऊंट को नहीं देखा। The merchant accused them of having stolen the animal and immediately went to the king Alcasa for redress. जो व्यापारी था उन्होंने उस पर जानवर को चुराने का इल्जाम लगाया और तुरंत ही वह जो राजा अल्केसा था अल्केसा के पास निवारण के लिए, यानी पूरी जो निवारण के लिए इस बात को करने के लिए खत्म करने के लिए अल्केसा राजा के पास गया। ऑन हियरिंग द मर्चेंट्स स्टोरी द किंग वाज इक्वली कन्विंस्ड दैट द ट्रेवलर मस्ट नो व्हाट हैड बिकम ऑफ द कैमल एंड समंड देम टू कन्फेस द ट्रुथ। व्यापारी की बात सुनकर राजा भी पूरी तरह से कन्विंस हो गया कि उन्होंने ऊंट का क्या हुआ था और इसलिए उन्होंने सच जानने के लिए उनको बुलवा भेजा। हाउ कुड दे नो ही डिमांडेड दैट द कैमल वॉज लेम और ब्लाइंड और वेदर द टेल वॉज लॉन्ग और शॉर्ट और वट दैट इट वॉज सफरिंग फ्रॉम एनी
मेलेडी अनलेस दे हैड इट इन देयर पोसेशन, ताकि वह जान सके कि उन्होंने जो पूछा था, उसने पूछा था कि ऊंट लंगड़ा है, अंधा है, या उसकी पूंछ छोटी या बड़ी है, और वह किसी रोग से पीड़ित था, तो यह सब वे कैसे जानते थे। इन रिप्लाई ईच ऑफ देम एक्सप्लेन द रीजंस विच हैड इंड्यूस्ड देम टू एक्सप्रेस देयर बिलीफ। अपने जवाब में उन्होंने सभी ने कारण बताया कि उनका विश्वास था जो कि उन्होंने ये सब बातें बताने के लिए प्रेरित कर रहा था। द फर्स्ट ट्रेवलर सेड आई नोटिस्ड इन द फुट मार्क्स ऑफ द एनिमल दैट वन वाज डेफिशिएंट एंड आई कंक्लूडेड अकॉर्डिंगली दैट इट वाज लेम इन वन ऑफ इट्स लेग्स। पहले यात्री ने कहा कि मैंने जानवर के यानी ऊंट के पैरों को ध्यान से देखा और उनमें से एक अधूरा था, यानी कि दो पैरों के जो पंजे थे उसके पंजों के दोनों पैर में से एक पैर का पंजा का निशान अधूरा था, और इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि एक टांग से वह लंगड़ा था। द सेकेंड सेड आई नोटिस्ड दैट द लीव्स ऑफ द ट्री वॉज द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड हैड बीन स्नैप्ड और टॉर्न ऑफ विसल Thus, those on the right side were untouched. Once I concluded that the animal was blind in the right eye. दूसरे ने जवाब दिया कि मैंने देखा कि सड़क के किनारे की बाईं साइड की जो पत्तियां थी, पेड़ की पत्तियां खाई गई थी और चबाई गई थी, टूटी हुई थी, परंतु जो दाईं साइड की पत्तियां थी, पेड़ थे, उन्हें छुआ भी नहीं गया था, और इसलिए मैंने निष्कर्ष निकाला कि जो जानवर था वह दाई तरफ आंख से अंधा था, काना था। द थर्ड सेड आई सो सम ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन द रोड विच आई कंजेक्चर्ड हैड फ्लोड फ्रॉम द बाइट्स ऑफ ग्रेनेड्स और फ्लाइज एंड आई थेंस कंक्लूडेड दैट द कैमल्स टेल वॉज शॉर्टर देन यूजुअल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ही कुड नॉट ब्रश द इंसेक्ट्स अवे। तीसरे ने कहा कि मैंने सड़क पर कुछ बूंदें खून की देखी और मैंने अनुमान लगाया कि उसे किसी मक्खी ने या फिर किसी वन मक्खी ने या फिर ऐसे किसी इंसेक्ट्स ने उसको काटा था, और उसकी जो ऊंट था, ऊंट की यूजुअली जो पूंछ थी वह छोटी थी, और वह इसीलिए उनको जो इंसेक्ट्स थे जिसने भी उसको मक्खी ने या किसी मच्छर ने उसे काटा था तो उसको भगा नहीं सका, उड़ा नहीं सका था। द फोर्थ सेड आई ऑब्जर्व दैट द वॉइल द फोर फीट ऑफ द एनिमल वर प्लांटेड फर्मली ऑन द ग्राउंड द हिंड वंस अपीयर टू हैव सीक्रेटली टच्ड इट हैंस आई गेस्ड दैट दे वर कॉन्ट्रैक्टेड बाय पेन इन द बेली ऑफ द एनिमल। और चौथे ने जवाब दिया कि जो आगे के पंजों के निशान थे, मैंने देखा कि वह मजबूती से यानी बहुत ही गहरे से धसे हुए थे निशानों के पैर, और इसलिए मैंने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया कि जानवर के पेट में दर्द था। When the king heard their explanation, he was struck by the sagacity of the travelers. And after giving 500 pagodas to the merchant who had lost the camel, he made the four young men his principal ministers and bestowed on each of them several villages as free gifts. जब राजा ने उनकी explanation के बारे में सुना, तो वह उनकी बुद्धिमता को सुना, तो उनको सुनने के बाद उसने व्यापारी को 500 शिवालय यानी मंदिर दिए, और जिसका ऊंट खो गया था, और उन्होंने चारों आदमियों को अपना यहाँ मिनिस्टर नियुक्त कर लिया, मंत्री नियुक्त कर लिया, और उनको कई गांव गिफ्ट के रूप में दिए। हैंस इट वॉज द विजडम डिस्प्लेड बाय ऑल द फोर मिनिस्टर्स That got them a well-deserved reward. और यही कारण था कि उनकी बुद्धिमता के कारण ही उन्हें चारों
को मंत्री बना दिया गया और जो अच्छा रिवार्ड था उन्हें दिया गया। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।